हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना खूब ख्याल रख रहे होंगे। अभी मौसम भी चेंज हो रहा है तो सब तरफ बच्चों को, बड़ों को, सबको हरारत बुखार टाइप का लग रहा है। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। और अभी क्या है, आगे डेंगू का सीज़न है, मौसम सितंबर में डेंगू के मच्छर बहुत पनप जाते हैं, तो आप लोग अपना खूब ख्याल रखिएगा, फुल कपड़े पहनिएगा और अपना खूब ख्याल रखिएगा और सब स्वस्थ रहिए, चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, मस्त रहिए, हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए और मस्त मज़े से रहिए। और आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और अब चलिए, मैं बनाने जा रही थी, पोहे का एक आइटम बनाने जा रही थी, तो उसे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। ये देखिए, मैंने ये पोहा 2 घंटे पहले भिगा दिया था, ये भीग के इसके बाद सूखा हो गया है। और आप ऐसे सूखा पोहा भी पीस सकते हैं, तो इसे पीस लेते हैं पहले। और उसके बाद ये इसमें 1 कटोरी बेसन डलेगा और ये 1 कटोरी सूजी डलेगी। और उसके बाद इसे इसका नाश्ता बनाएंगे। ये देखिए, ये मैंने पोहा पीस लिया है और अब इसमें डाल रही हूँ 1 कटोरी सूजी डाल देंगे। और ये देखिए, ये 1 कटोरी पोहा लिया था, 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी बेसन। अब इसे भी थोड़ा मिला लेते हैं इसे। ये देखिए, ये मैंने पोहा में सूजी और बेसन मिक्स कर दिया। अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं, बाउल में निकाल लेते हैं और इसमें जो रोटियां वगैरह रह गई हो उसे चम्मच से मिक्स कर लेंगे। अब इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि गुठली ना रह जाए इसमें। देखिए मिक्स हो गया। और ये देखिए, इतना पतला इसको बैटर को हमने रखा है, जिस तरह डोसा बनाते हैं ना उसी तरह है। तो जिस तरह का डोसा का बैटर रहता है सेम ऐसे ही बनाना है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, मिर्च भी डाल सकते हैं, थोड़ी लाल मिर्च मैंने डाल दी है और थोड़ा जीरा डाल देंगे। देखिए तवा गरम हो गया है, इसमें अपन तेल लगा लेते हैं थोड़ा और उसके बाद बैटर को, देखिए जो बैटर हमने तैयार किया है ये डालते हैं। गुस्से की तरह डालते हैं। अब इसे पकने देते हैं थोड़ी देर और दूसरे तरफ भी इस तरफ भी थोड़ा ऑयल लगा देते हैं ताकि पलटेंगे जब तो सही से पक जाए, ऑयल लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अभी देखिए इधर पक गया है, इसे पलटा है। देखिए कितना सुंदर डोसे की तरह है। इसे कोई नहीं कहेगा कि ये पोहा चिवड़ा का डोसा है, लाल लाल सीखा है। अब दूसरे साइड भी सेक लेते हैं इसे। आप लोग भी बनाइए, खाइए, जरूर बनाइए। दाल चावल का डोसा तो अक्सर ही हम लोग बनाते हैं। अब आप सूजी का, बेसन का और पोहे का डोसा बनाकर जरूर खाइए। देखिए दूसरी ओर भी पक गया है, पूरा डोसे की तरह पका है। अब इसमें सब्जी लगा देंगे इस तरह से, आलू की सब्जी इस तरह से लगा देंगे। पलटा देंगे इस तरह से,
ये देखिए तैयार है, वही का मसाला। और ये देखिए नारियल की चटनी, नारियल और चना दाल की चटनी, इसके साथ मजा लीजिए। ये देखिए इसके साथ आप मजा लीजिए। और बना लेते हैं, आप भी बनाइए, खाइए और मजा लीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले व्लॉग में। बाय।